तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्ष यूर सीएससी गाइडर पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हरियाणा ओपन के जो एडमिशन हो स्टार्ट हो चुके हैं उसके बारे में। एडमिशन कब से स्टार्ट हुए हैं, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कैसे ऑनलाइन अपने फिल घर से ही कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है, क्रोम में सर्च करना है एचबीएससी। एचबीएससी सर्च करने के बाद आपके सामने एक बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा का लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करके खोल लेना है। उसमें के बाद राइट साइड में आपका एक लिंक होगा, उसमें हरियाणा ओपन स्कूल रजिस्ट्रेशन फ्रेश कैंडिडेट का होगा, आपको वहाँ पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। उसको ओपन करने के बाद क्लिक हेयर टू 10th रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू 12th रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन होगा। आपको जो भी क्लास के लिए अप्लाई करना है आप उस पर सिंपली क्लिक करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि फीस की बात करें तो 10th के लिए जो फीस आपकी एग्जाम फीस वो है 1000 रुपये। उसके अलावा अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आप लोगे तो उसके 100 रुपये अलग से लगेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें 12th की तो आपके 12th की जो फीस एग्जाम फीस है वो है 1050, एडिशनल सब्जेक्ट के अगर लोगे तो उसके 200 रुपये, 200 और प्रैक्टिकल के 100। उसके बाद हम बात करते हैं कि फीस डेट की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जीरो लेट फीस में है। उसके बाद आपकी 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तो जो आपकी फ़ीस है वो है आपकी 100 रुपये लेट फीस। उसके बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है वो 300 रुपये लेट फीस, और 16 दिसंबर से आपकी 31 दिसंबर तक है 1000 लेट फीस। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू 10th रजिस्ट्रेशन, आपने देखा ही होगा। आपको सिंपली वहाँ पर क्लिक करके क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का ऐसे पेज खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली पहले सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक क्लिक का बॉक्स आएगा, उसको क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट प्रूफ, इशूइंग अथॉरिटी और डेट ऑफ इशू के लिए यहाँ पे पूछेगा। आपको सिंपली वो डिटेल्स यहाँ पे डाल लेनी है। अगर हम डेट प्रूफ की बात करेंगे, बर्थ प्रूफ की बात करेंगे, आपको बर्थ प्रूफ में क्या लगाना है तो वो बता देता हूँ। आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मिडिल पास फेल सर्टिफिकेट और मिडिल मैट्रिक फेल सर्टिफिकेट। मैट्रिक फेल का ही क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे 10th का फॉर्म भर रहे हो। अगर आप 12th का भर रहे हो तो मैट्रिक का फेल पास का यहाँ पे पूछ लेगा। तो चलिए मैं डिटेल्स डाल लेता हूँ एक बार। ये आपको डिटेल्स जाके चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स यहाँ पे सारी मैच हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंपली डिटेल्स खुल आपके नाम वगैरह यहाँ पे उठा लेगा। अगर नहीं उठाएगा आप यहाँ पे सिंपली अपना नाम वगैरह डाल लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे डाल लेनी है आराम से। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी पर क्लिक करना है। डिसेबिलिटी मान लीजिए अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वरना नन पे छोड़ देना है। डिसेबिलिटी अगर मैं दिखा दूँ तो डिसेबिलिटी ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आप इसमें से अगर कुछ डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आपको नन पे छोड़ के सबमिट कर देना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एड्रेस की क्या, कोई यहाँ पे एड्रेस क्या डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपको वही एड्रेस डालना है जो डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। मान लीजिए आप का डिस्ट्रिक्ट आपका जो होम टाउन है वो कहीं और है और आप रहते कहीं और हो, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम देना है वो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में देना है, होम टाउन में देना है। तो वहाँ पे आप वो एड्रेस डालोगे यहाँ पे जिस एड्रेस पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं भिवानी में देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भिवानी सिलेक्ट करूँगा। भिवानी सिलेक्ट करने के बाद सेम एड्रेस कर क्लिक करके मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके ये पूछेगा आपके फोटो सिग्नेचर और जो आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, SLC वगैरह जो भी सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगाना है। अगर फोटो की बात करें तो यहाँ पे फोटो दोस्तों आपको लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, कलर्ड फोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड जो आपका वाइट होना चाहिए, 50 से 80 GB के बीच आपका फोटो का साइज होना चाहिए और जो फोटो है वो रिसेंटली क्लिक होना चाहिए और फोटो के नीचे आपकी डेट ऑफ फोटो भी लिखी होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा लेता हूँ एक बार फटाफट। डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको क्लियर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके साइज़ आपका परफेक्ट होना चाहिए, जो भी आपका साइज़ है वहाँ उसके बीच का आपका साइज़ होना चाहिए। साइज सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों आपके डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, मैंने यहाँ पे डिटेल्स हेड कर रखी हैं। आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगे, आपका नाम, फादर नेम, सेशन वगैरह। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट होंगे, आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी फिक्स होंगे। उसके बाद जो ऑप्शनल जो 6ठा सब्जेक्ट होगा आपका ऑप्शनल होगा, आप इसमें होम साइंस, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर की हम बात करें तो एग्जाम सेंटर देखिए यहाँ पे सेंटर ऑलरेडी इसने भिवानी उठाया हुआ है।
वही है जो जिसे जो मैंने होम टाउन होम डिस्ट्रिक्ट किया था वो यहाँ पे ऑलरेडी उठा लेता है सेंटर के लिए। उसके बाद सब डिवीजन की बात करें, सब डिवीजन में आपके खुल जाएंगे, आप जो भी आपका सब डिवीजन हो वह सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अपलाइंग फॉर ओपन फ्रेश सेकेंड एग्जामिनेशन कैंडिडेट एडवाइस टू सबमिट एट सेल्फ अटैच हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ इज सर्टिफिकेट सेंट टू सेकेंडरी बोर्ड स्कूल एजुकेशन है ना भिवानी बाय पोस्ट ऑफ पर्सन विद इन 7 डेज ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। मतलब आपका जो फॉर्म सबमिट होगा जो आपकी हार्ड कॉपी प्रिंट होकर आएगी वो आपको 7 दिन के अंदर बर्थ प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ आपको एजुकेशन बोर्ड में सबमिट करानी है। आप चाहे तो 7 दिन के अंदर उसको बाय हैंड भी जमा करा के आ सकते हो और चाहे तो उसको बाय पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हो। डिटेल्स होने के बाद हम दोस्तों ये नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ पे फीस का पे आ जाएगा। अब आप बात करो कि यार पेमेंट तो 30,000 रुपये, यहाँ पे 1100 रुपये कैसे दिखा रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन सेलेक्ट किया था वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, उसके 100 रुपये आपके अलग से लगेंगे। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर चूज़ करोगे तो आपके एक्स्ट्रा फीस लगेगी 100 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स उठा लेगा। डिटेल्स उठाने के बाद हमको सिंपली आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपके पेमेंट के लिए डिटेल्स पूछेगा, आपके कार्ड नंबर वगैरह जो भी है। आप यहाँ पे पेमेंट करोगे, पेमेंट सबमिट होते हैं आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा, आपका प्रिंटआउट निकल आएगा ऐसा। उस प्रिंटआउट को सिंपली आपको प्रिंट करके आपको एजुकेशन बोर्ड में वो सबमिट कराना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, क्या पढ़ना इसका हरियाणा ओपन स्कूल का फॉर्म कैसे भर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।